और करेंगे खंडवा का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर महिला बाल विकास मध्य प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष का यहां पर बयान सामने आया है। शोभा ओझा ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। इसके साथ ही महिला आयोग को काम नहीं करने दिया जा रहा है। महिला अपराध में प्रदेश नंबर वन है, 12,000 मामले महिलाओं से जुड़े हैं। सीएम शिवराज केवल मामा बनने का ढोंग करते हैं, ऐसा बयान शोभा ओझा ने दिया है। मामा बनते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सुरक्षा के, पर आंकड़े देख के आप समझ सकते हैं कि अगर वाकई महिला सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता होता तो मध्य प्रदेश आज महिला अत्याचार के मामले में नंबर एक पर नहीं होता। महिला आयोग में 12,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, उसके बावजूद अगर महिला आयोग को काम नहीं करने दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश सरकार की। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।